कैन वी चूज बेस, क्या रीज़न है कि से हर एयरलाइन में सेफ्टी के पास पता चलता है कि कंपनी टू कंपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं. यू आर स्टार्टिंग यू नो ड्रीमिंग अबाउट दोज थिंग्स. कल को जब हम ट्रेनिंग से रिलीज होंगे ना, तो हम लोग साथ में रहेंगे, और जब हमें बेस मिलता है ना, तो बहुत सारा इमोशनल, जैसे कि इसका आंसर क्या होगा. सेफ्टी इज़ अ मॉड्यूल बेसिकली, दैट इज़ 80%. आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस ऑल्सो, हमारा कैबिन क्रू बेस. हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस साइड मेघा ब्रोल विद यू ऑल वंस अगेन. आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट. सो आई एम इन होटल राइट नाउ. आपको ये पूरे बैकग्राउंड से समझ आ ही गया होगा. सो आई एम ऑन अ ले ओवर और मैं अभी बाहर से होकर आई हूँ. माई हेल्थ इज़ नॉट वेल. आई एम गेटिंग माई क्रैम्प्स, माई बैक इज़ पेनिंग, माई स्टमक इज़ पेनिंग, माई लेग्स आर शिवरिंग, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू. ब्लॉग शुरू किया है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग जो बन रही है. तो मैंने सोचा कि आज एनर्जी नहीं है, तो एटलीस्ट हम बैठ के आपसे बात करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. अगर थोड़ा बहुत आवाज़ कम ज़्यादा होती है, थोड़ी एनर्जी लो होती है, तो प्लीज़ बेयर विद मी. सो या, वी विल स्टार्ट. सो आज का टॉपिक है हमारा कैबिन क्रू बेस. बेस इज़ वॉट? इट इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव टू फ्लाई. लाइक प्राइमरली यू आर फ्लाइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेशन, सो दैट इज़ कॉल्ड योर होम बेस. सो मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स देखे अपने यूट्यूब पे. इनफैक्ट आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डीएम्स, जहाँ पर लोग बात कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि कैन वी चूज़ बेस आरसेल्व्स, क्या हम खुद से बेस को चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कंपनी देती है वहीं हमें जाना पड़ता है. सो आई थॉट लेट्स जस्ट क्लियर दिस डाउट एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. सो नाउ करंटली आई एम वर्किंग विद एयर इंडिया एंड आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस ऑल्सो. यू ऑलरेडी नो आई वॉज़ विद स्पाइस जेट. सो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. हेयर इज़ स्पाइस जेट एंड हेयर इज़ एयर इंडिया. सो मैं आपके साथ दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, सो दैट यू विल गेट अ वाइडर पिक्चर, ओके, एंड अ क्लियर पिक्चर ऑल्सो. सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड. वेन आई वॉज इन स्पाइस, सबसे पहले क्या होता है कि आपका ट्रेनिंग ख़त्म होता है. ख़त्म होने के बाद मोस्टली क्या होता है, जब आपकी सेफ्टी ख़त्म होती है, उसके बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपका क्या बेस है, या फिर उसके आसपास पता चल जाता है. आई डोंट नो कि क्या रीज़न है कि से हर एयरलाइन में सेफ्टी के पास पता चलता है. सेफ्टी इज़ अ मॉड्यूल बेसिकली. जो लोग एकदम फ्रेशर हैं उनको नहीं पता होगा. सो सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मॉड्यूल ऑफ आर ट्रेनिंग. सेफ्टी इज़ समथिंग, यानी कि आपके एयरक्राफ्ट के अंदर क्या इक्विपमेंट्स हैं, डोर्स कैसे खोलने हैं, क्या इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको करना है. सो दिस इज़ समथिंग, दीज ऑल आर फैक्टर्स विच कम्स अंडर सेफ्टी मॉड्यूल. सो जब आपकी सेफ्टी हो जाती है ख़त्म, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो आपको उसी के चंद कुछ दिनों के बाद पता चलने लगता है कि आपको क्या चांसेस हैं कौन सा बेस मिलने के. तो पहले मैं स्पाइस में थी, तो लेट्स स्टार्ट विद स्पाइस. सो या, वहाँ पर हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है एक पेपर को पास करने का, दैट इज़ 80%. इट वेरीज़ फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन. अगेन इंडिगो में आई थिंक इट इज़ 90%. आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द एयरलाइंस. सो इट इज़ 80% फॉर स्पाइस जेट. वहाँ पर जब बंदे का पेपर क्लियर हो गया, तो देयर इज़ वन क्राइटेरिया कि आपने जिस तरीके से पास किया है एग्ज़ाम, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी, जिसने सेकंड किया है उसको सेकंड, जिसने थर्ड किया है थर्ड, इस हिसाब से. तो हमारे टाइम पे हमारी सिचुएशन जब थी ये, तो हमारे सामने एक ऐसा चीज़ खुली जिनमें चार बेसिस अवेलेबल थे. और वो चार बेसिस कौन कौन से थे? एक था बैंगलोर, एक था चेन्नई, एक था अहमदाबाद, एंड वन मोर विच बेस, कोलकाता. या ये चार बेसिस थे. सो हम लोगों का पूरा क्लास को इकट्ठे बुलाया, वहाँ पर बोर्ड पे ये सारे नाम लिख दिए कि ये बेसिस अवेलेबल है, नाउ यू कैन चूज़. अब हमारे बैच में 25 लोग थे, और 25 लोगों का ही बैच होता है. दिस इज़ ऑल्सो DGCA क्राइटेरिया कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ हर बंदे पे इंस्ट्रक्टर को ध्यान देना पड़ता है. 25-26 को जितना ही है. तो हमारे क्लास में 25 लोग थे. अब 25 के 25 अगर बोलेंगे कि मुझे चेन्नई चाहिए, तो दे के नॉट सेंड, राइट? सो दिस वॉज द क्राइटेरिया. दिस मीन्स कि द पर्सन हु हैज़ स्कोर्ड द हाइएस्ट विल गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, देन द सेकेंड वन, देन द थर्ड वन. यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम सेइंग? सो आई रिमेंबर कि आई वॉज द थर्ड वन शायद.
बिकॉज इट्स बीन 4-5 ईयर्स, मेरे ख्याल से मैं थर्ड थी. तो पहले जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था वो गई, उसने लिखा वहाँ पे कि दैट आई एम गोइंग टू चूज़ दिस बेस, देन सेकेंड, देन थर्ड. तो अब उनमें क्या होता है, अगर सपोज़ कर लो कि एक पर्टिकुलर बेस पे 5 सीट्स खाली हैं, दूसरे में 10 सीट्स खाली हैं, तीसरे में ऐसे रैंडमली कुछ भी नंबर दे दो. तो सपोज़ पहले 5 लोग जो आए उन सब ने बैंगलोर चूज़ कर लिया, तो बैंगलोर शट हो गया, मीन्स 5 लोगों की वहाँ पर ज़रूरत थी, एंड नाउ 5 पीपल हैव ऑलरेडी चूज़, तो वो हट गया. अब जो बाकी लोग बच गए उनके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हैं, विच इज़ अहमदाबाद, चेन्नई एंड कोलकाता. सो दिस इज़ हाउ द बेस वर्क्स. बट अब इसमें आप लोग खुद डिसाइड करो कि इसका आंसर ये होगा कि येस यू कैन चूज़ बाई योर सेल्फ और यू कैन नॉट चूज़. बिकॉज मैं क्या बोलूँगी, अगर कंपनी आपको 4 ऑप्शंस दे रही है और आप उसमें से कोई एक चूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल वैलिड है कि बिल्कुल यू नो जस्टिफाइड है कि हाँ मैंने अपना बेस खुद चूज़ किया है. बट अगर आपको उन 4 ऑप्शंस में से कोई भी नहीं चाहिए, इट मीन्स 4 ऑप्शन के बाद भी आपके मन पसंदीदा आपको नहीं मिल रहा है. सो यू कैन फिगर आउट इसमें से कि इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग. फिर बात करते हैं हम मेरे बेस की. तो आई चोज़ चेन्नई, बाद में चेन्नई भी क्लोज़ हो गया, तो धीरे धीरे कोलकाता और अहमदाबाद ही बचे हुए थे और लोगों ने वो चूज़ किया. नेक्स्ट इज़ व्हेन आई केम टू एयर इंडिया. अब एयर इंडिया में देर वॉज नो ऑप्शन, देर वॉज नो चॉइस, देर वॉज अ फिक्स्ड वन बेस विच वॉज असाइंड टू द यू नो इंटायर बैच. स्पाइस में क्या था कि अगर 25 लोग हैं तो 25 में से 5 इधर जा रहे हैं, 5 इधर जा रहे हैं, 10 इधर जा रहे हैं, ऐसे था. बट एयर इंडिया वॉज डिफरेंट, इसमें था कि द इंटायर बैच विल गेट वन बेस, विच इज़ अगेन अ डिफरेंट थिंग. तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कंपनी टू कंपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं. तो अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो सकता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको उसका आंसर बताऊं, बट वही क्वेश्चन आप किसी और बंदे को पूछ रहे हो और वो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका आंसर बताए और दोनों आंसर्स में काफ़ी डिफरेंस हो, तो यू नीड टू फिगर आउट कि आपने उसमें से कौन सा आंसर ग्रैब करना है. बिकॉज़ हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर शेयर करते हैं, आपको बताते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें से किस चीज़ को आपको पिक करना है. और जब हमें बेस मिलता है ना तो बहुत सारा इमोशनल थिंग जो है ना वो बिल्ड होने लगती है पूरे बैच में. बिकॉज़ कुछ आपके फ्रेंड्स बने होते हैं बट आपको सेम बैच नहीं मिला, कुछ आपके फ्रेंड्स बने होते हैं जिनके साथ आपने प्लान किया होता है कि कल को जब हम ट्रेनिंग से रिलीज़ होंगे ना तो हम लोग साथ में रहेंगे, हम लोग साथ में खाना बनाएंगे. यू आर स्टार्टिंग यू नो ड्रीमिंग अबाउट दोज थिंग्स. और सडनली जब आपको बेस मिला और आपको पता चला कि आपकी फ्रेंड को चेन्नई मिला है और आपको कोलकाता मिला है, सो दैट इमोशनल थिंग विल स्टार्ट बिल्डिंग. और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो जैसे एयर इंडिया में हम लोगों को मिला पूरे बैच को एक, तो सब लोग मोस्टली जो है वो बॉम्बे के थे, उनमें से 3 लोग थे जो आउट स्टेशन थे. तो पूरे के पूरे बैच में रोने का वो माहौल था बिकॉज दे वॉन्टेड टू स्टे विद देयर फैमिली. अब हम लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता चाहे बॉम्बे रहो चाहे दिल्ली रहो किधर भी रहो, बिकॉज वी आर नॉट स्टेइंग विद आर फैमिली. ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, बट मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि जो लोग पूरा इतने सालों से ही अपनी फैमिली के साथ थे और सडनली उनको उठा के किसी और बेस पे भेज रहे हो तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. सो अगेन इट इज़ अ इमोशनल काइंड ऑफ थिंग. बट क्या कर सकते हैं, अगर आपको काम करना है, पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंट बनना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो ये सब चीज़ों की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी तो ही आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में. बस इतना ही, बहुत ज़्यादा ही भाषण नहीं हो गया आज. तो मैं ये टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है. बट अगर नहीं हुआ है और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर बताना. और इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, प्लीज़ लेट मी नो. आई वुड बी लाइक रियली वेरी हेल्पफुल टू हेल्प यू. और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अब मैं व्लॉग नहीं बोलती हूँ बिकॉज मुझे खुद नहीं पता होता कि नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है. सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए. बाय.